राजधानी भोपाल से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां शहर के पीरगेट स्थित कर्फ्यू वाली माता के मंदिर के पास से एक महिला दो बालिका को अगवा कर ले गई। इस वारदात के बाद से ही शहर में सनसनी फैली हुई है, जहां इस पूरे मामले में पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर सरगर्मी से तलाश कर रही है। देखिए ये रिपोर्ट। शहर के भीड़भाड़ वाले क्षेत्र पीर गेट स्थित कर्फ्यू वाली माता के मंदिर के पास से एक महिला 8 और 1 वर्ष की बालिका को अगवा कर ले गई। बच्चियों की मां को उसने कन्या भोज में ले जाने का झांसा दिया था। शनिवार सुबह हुई इस वारदात से शहर में सनसनी है। अभी तक बालिकाओं के बारे में कोई सुराग नहीं लग सका है। सीसीटीवी फुटेज से आरोपित महिला का हुलिया पता चल गया है। ये हेलमेट लगाया कि कैप लगाया? हाँ हाँ है, लड़की गई ना, वो भी थी। वहीं इस पूरे मामले में डीसीपी जोन 3 रियाज इकबाल ने बताया कि मासूम बच्चियों की तलाश में कोतवाली थाना प्रभारी क्राइम ब्रांच सहित 5 थानों की पुलिस टीम को लगाया गया है। सभी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच कर रहे हैं। बच्चों का अपहरण का एक मामला आया है, क्या पूरा मामला और किस तरह से बच्चों को ले जाया गया? देखिए, कल पीर गेट के सामने एक महिला अपने बच्चों के साथ में बैठे थे, तो दो महिलाएं आई, तो उन्होंने कन्या पूजन कराने के नाम पर उनको साइड में ले जा, और उधर से वो दोनों बच्चियों को साथ में उन्हें लेके गया, और पुलिस ने उसका थोड़ा ट्रैकिंग भी किया है। देर रात में घर वाले ढूंढ रहे थे उनको, उसके बाद में देर रात पुलिस के पास रिपोर्ट आई थी, तो पुलिस ने तुरंत FIR रजिस्टर करके वो जो जहाँ जिस ऑटो रिक्शा में ई ऑटो रिक्शा में उनको बिठा के ले गए, तो पुलिस ने ट्रैक भी किया है। तो अभी प्रथम दृष्टि ऐसा लग रहा है कि वो दोनों बच्चों को, दोनों महिलाएँ जो है, कहीं ले जाया गया करके, तो अभी उसका जांच कर रहे हैं। एक 8-10 साल की बच्ची है और एक छोटी 1 साल की बच्ची है, तो माँ बाप जो है उनके उज्जैन जिले में रहने वाले हैं, और कुछ दिन पहले ये लोग यहाँ पे आए थे, अभी मजदूरी वगैरह कर रहे हैं, तो अभी हम लोग उस पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस पूरे मामले में पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। इसके बाद देखना होगा कि पुलिस कब तक आरोपी महिला को गिरफ्तार कर ढूंढ कर निकालने में कामयाब होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एम्प न्यूज़ भोपाल।